क्या निकालेंगे, एंगुलर पोजीशंस। देखो दो तरीके की पोजीशंस हैं, पहली पोजीशन है लीनियर पोजीशन, ये एक्स, एक्स निकालना मिनिमा का मैक्सिमा का, और दूसरा क्या निकालना, एंगुलर पोजीशन निकालना। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास ये एक स्क्रीन है, मान लो ये आपके पास स्क्रीन है और ये सेंटर है, राइट right? और ये सपोज आपका फर्स्ट मिनिमा है, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, और ये एंगल ये स्लिट का सेंटर है, स्लिट के सेंटर पे एंगल क्या बना, थीटा। तो ये जो फर्स्ट मिनिमा ने एंगल बनाया थीटा, ये इसकी क्या है, एंगुलर पोजीशन। तो एंगल थीटा निकालना इटसेल्फ इज नोन एज एंगुलर पोजीशन निकालना। तो हमने ये निकाला हुआ है, ये हमने निकाल लिया, क्या फॉर्मूला था, एन लैम्डा डी बाई ए, याद है मिनिमा का, तो एन की जगह क्या, वन। तो मैं दो तरीके एंगुलर पोजीशन निकालने के मेरे पास, पहला लंबा तरीका, एंगुलर पोजीशन के लिए टैन थीटा इस वैल्यू को लैम्डा डी बाई ए को किससे डिवाइड कर दें, डी से, तो आंसर क्या आएगा, लैम्डा बाय ए, और एंगल छोटा है तो इट कैन बी रिटन एज थीटा। ये आपकी एंगुलर पोजीशन है, ये लंबा तरीका है, इसको फॉलो मत करो, छोटा करो। अगर आपको मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालनी है ना, आप मिनिमा की कंडीशन बोल दो, क्या है मिनिमा की कंडीशन, क्या है ए साइन थीटा एन लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा के लिए एन की जगह वन, एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, आंसर आ गया आंसर लैम्डा बाय ए। ये आसान है, मिनिमा की कंडीशन तो याद होती है सबको, एन की जगह वन पुट कर दो तो एंगल आ गया। सेकेंड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो क्या, एन की जगह टू, टू लैम्डा बाय ए, थ्री में थ्री लैम्डा बाय ए, तो इन जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, एन लैम्डा बाय ए। सही हो गया, एंगुलर पोजीशंस क्लियर हैं। और ऐसे ही मैक्सिमा की अगर एंगुलर पोजीशन निकालनी है, और कौन सा मैक्सिमा, सेकेंडरी, सेंट्रल की क्या करोगे, सेंट्रल की बाद में निकालते हैं, पहले सेकेंडरी करते हैं। सेकेंडरी की कंडीशन, सेकेंडरी की कंडीशन में फर्स्ट सेकेंडरी में एन इज इक्वल टू वन, एंगल साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, पहली एंगुलर पोजीशन। दूसरी एंगुलर पोजीशन में एन की जगह टू, तो फाइव लैम्डा बाय टू है, तो एंगुलर पोजीशन बेसिकली पता है क्या बनेगी, साइन थीटा को यार थीटा पुट कर दो तो टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाय टू है, ये इन जनरल फॉर्मूला बन गया इसका। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, एंगुलर पोजीशंस कैसे निकलेंगी। तो अगर आप एंगुलर पोजीशंस को देखें तो एंगुलर पोजीशंस के अंदर एक पॉइंट सेंटर पॉइंट भी होता है, सेंट्रल पॉइंट भी होता है। जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंटर का पॉइंट है या सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है, मुझे इसकी एंगुलर विड्थ निकालनी है कितनी है। अब जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, इसकी इंटेंसिटी ऐसे बनती है, मैक्सिमा ऐसे, तो ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा, ऐसे ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, ऐसे ही किया था हमने, ये निकाला था याद करो एक्स, ये एक्स तो क्या था, टू एक्स, मैंने बताया भी था बीटा नॉट इज इक्वल टू टू एक्स या टू बीटा कर सकते हैं, ये तो हम निकाल चुके हैं टू एक्स। मुझे बताना है कि इस पूरे इसने पोर्शन ने सेंट्रल पॉइंट है एंगल कितना बनाया यहाँ पे। तो फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा, अभी निकाली, इसका आंसर क्या था, लैम्डा बाय ए, तो नीचे का एंगल भी क्या होगा, तो टोटल एंगुलर पोजीशन क्या बनेगी, टू, टू लैम्डा बाय ए। तो सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट की एंगुलर विड्थ बोल सकते हैं, एंगुलर विड्थ क्या बनेगी, टू लैम्डा बाय ए। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो न्यूमेरिकल आएगा जिसमें सेंट्रल पॉइंट की एंगुलर विड्थ निकालनी है। दो क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल पॉइंट की लीनियर विड्थ निकालने, टू एक्स जो हमने पहली डेरिवेशन की थी आज, और सेंट्रल पॉइंट की एंगुलर विड्थ निकालने, तो ये फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो एंगुलर विड्थ जो हमने निकाली वो कुछ ऐसी निकाली हमने, लैम्डा बाय डी, अच्छा कई बुक्स ए को डी भी लिखती हैं, स्मॉल डी मैंने बताया था, स्लिट विड्थ स्मॉल ए की जगह स्मॉल डी। तो पहली एंगुलर पोजीशन लैम्डा बाय डी, दूसरी मिनिमा की, दूसरी मिनिमा की एंगुलर पोजीशन टू लैम्डा बाय डी, तीसरी की तीन लैम्डा बाय डी मिनिमा की। अच्छा मैक्सिमा की क्या की थी, मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन क्या थी, थ्री बाय टू लैम्डा बाय डी, नेक्स्ट k
क्या थी, 5λ/2t. तो मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा. तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से चलता है, जहाँ ऊपर चलता है उतना ही नीचे भी चलता है. तो ग्राफ समझ में आ रहा है. और क्योंकि स्लिट के स्लिट बिल्कुल छोटी सी है, मैक्सिमम लाइट सेंटर में जाके गिरती है स्क्रीन के, इसीलिए मैक्सिमम की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है. बाकी जगह पे लाइट प्रॉपर गिरती नहीं है, तो इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है. क्लियर है यहाँ तक? YDSC में ऐसा नहीं था, इंटेंसिटी YDSC में एग्जैक्टली सेम थी. डिफ्रैक्शन में सेंटर पॉइंट पर सबसे ज़्यादा लाइट गिरती है. तो ये डायग्राम जो था, ये देखो एक्चुअल फोटो ऐसी है डिफ्रैक्शन की, सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ पे गिरती है, यहाँ पे ये रही, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम ऐसे. तो इसका ग्राफ ये बनता है, ये देखो सेंटर मैक्स सबसे ज़्यादा लाइट है, फिर कम 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 कम. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. और इसके अंदर ये टॉपिक है एक और, कि क्या डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में.